क्या लिखा है बेटा? मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मेरी वजह से मम्मी की हालत हुई है। मैं इनको ठीक करूंगा। I'm really sorry, मम्मी। संभाल अपने आप को बेटा, शांति से बता के बात क्या हुई है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू चंचल, आई लव यू। अरे आज हमारी छनछन डिंगली ने खाना क्यों नहीं खाया है? समझी, मानव का टेलीफोन नहीं आया है ना। ए पूछ पूछिया, चल नीचे उतर, मेरी बेटी को खाना खाने दे, जा। अरे आएगा टेलीफोन, और मानव भी क्या, अरे टेलीफोन नहीं कर सकता था तो कम से कम संदेशा तो भिजवा देता। छंचन, तुझे पता है मेरा और तेरे दादाजी का रिश्ता पक्का हुआ तो हम लोग कैसे एक दूसरे से बात करते थे? कैसे? भई हमारे वक्त में ये मोबाइल तो था नहीं, लेकिन हमारा और उनका दूध वाला एक था और उसी से हम संदेशा भिजवाया करते थे। वाह बिना। ए डोबा, उसमें हंसने का क्या? बा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने दूध वाले को मानव के घर लगवा दें, क्यों? क्या दूध वाला, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद मानव के घर जाऊं और उससे बात करूं। नहीं नहीं छंचन, ऐसा मत करना। क्यों? बेटा हर फैमिली हमारी जितनी मॉडर्न नहीं होती है, और आज भी लोग सोचते हैं कि लड़की को अपनी शादी से पहले ससुराल नहीं जाना चाहिए। और बेटा हमें तो ये भी नहीं पता कि मानव ने उसके घर तेरी बात बताई है कि नहीं। बाप बिल्कुल ठीक कह रही है। हम एक काम करते हैं, हम मानव को अपने घर बुला लेते हैं और फिर शादी की बात करते हैं। हाँ? क्यों? अरे हे बुद्धू गोपाल, तू छनछन की शादी की बात मानव से करेगा या उसके फैमिली मेंबर से? मुझे तो लगता है कि भई हमें सबसे पहले उनके घर जाना चाहिए। हैं? दादी ये सारी बातें तब होगी जब मेरी मानव से बात होगी। अभी तो हमें ये पता करना चाहिए कि कहीं मानव कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। I'm so sorry, papa. लेकिन मुझे लगा कि एक बार हितेश और पूर्वी की शादी हो जाएगी, बाद में मम्मी को मना लूंगा, लेकिन हो गया सब उल्टा। उल्टा नहीं, अनर्थ हो गया। तुझे क्या लगता है तेरे माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे बात हो गया, तुझे हम भी माफ नहीं करेंगे। और क्या जरूरत थी तुझे बाकी तरह समाज सेवा करने की? दूसरों का घर बसाने के चक्कर में खुद का घर ही। कम से कम हम भाइयों को तो बता देता। तू तो जानता है बा का फैसला पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं बदल सकता।
फिर भी कोशिश की थी। अब अंजाम हम सबको। बस करो। तो होना था सो हो गया। सोचना यह है तो कैसे उमा की तबीयत ठीक करें, कैसे उसकी आखिरी इच्छा का पता करें। मुझे लगता है बाकी आखिरी इच्छा प्रॉपर्टी को लेकर होनी चाहिए। बापूजी, बा ने कोई वसीयत बनाई थी क्या? बापूजी, क्लिनिक से कोई आया था और ये दवाई दिया, कहा है कि बा को एक डोज दे दिया जाए। अभी मम्मी को दवाई मैं देता हूँ। भाभी भाभी एक गिलास पानी देना। रुक जाओ, तुम लोग सब जाओ, दवाई मैं दूंगा। और कोशिश करूंगा कि उमा मुझसे कुछ कहे। बहू, उमा के लिए हल्का सा खाना लेकर आ जाना। जी बापूजी। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मारा थी। मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। सुनिए जी, आपको क्या लगता है बाकी आखिरी इच्छा क्या हो सकती है? वही तो सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है। भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो बा को आज तक ना मिली? हो ना हो, बाकी आखिरी इच्छा बापूजी के बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। क्या कर रही हो? ये फाइल आपने मंगाए थे ना? ये क्या है संजना? बापूजी की इम्पोर्टेंट फाइल। ये बापूजी की मेडिकल फाइल है। मैंने तुम्हारे पास उनकी प्रॉपर्टी की फाइल मंगवाई थी। याद है उस दिन मैं बा के कमरे से लेकर आया था? याद आया? अच्छा वो तो बा ले गई। क्या? हाँ, बापूजी ने मंगाई थी तो बा लेके गई। अरे तू मुझे बता तो। बता देती तो मैं वापस लेके आती हूँ। कहाँ हवा हवाई बनकर चली तुम संजना। वो फाइल मैं ही ले आऊंगा। कैसे लाऊं? बेचारी बा अपनी आखिरी इच्छा बता रही थी लेकिन वो भी नहीं बता पाई। पर मुझे लगता है ना, बा अपने गहनों को अपनी बहुओं को बांटना चाहती है। इसे भी उनके जाने के बाद तो वो गहने। तुम कैसी बातें कर रही हो रंजना? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उन्हें कुछ हो ना जाए, उससे पहले आप उनकी आखिरी इच्छा को पूरी कर दो। उससे बाकी ये हालत देखी नहीं जाती। चिंता मत करो रंजना, बाबूजी बा के मन की बात जरूर पता कर देंगे और कल सुबह होने से पहले उसे पूरा भी कर देंगे। मुझसे ज्यादा चिंता तो आपको है। देखिए, आप बिल्कुल भी फिकर मत करिए। बा को अगर पता चलेगा ना कि आपने उनके लिए अपनी तबीयत बिगाड़ दी तो बाकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। अब सो जाइए, चलिए उठिए।
मुझे तो आज रात नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं कल बा मुझे चढ़ाओ कंगन देगी या अपना नौलखा। हाँ मम्मी, बस आप एक बार ठीक हो जाइए। आई प्रॉमिस मैं आपको वर्ल्ड की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। आप खुश रहें, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। छनछन का फोन है, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, परेशान हो रही होगी। छन का फोन है, हेलो। थैंक गॉड मानव तुमने मेरा फोन उठाया। कहाँ थे तुम? पता है कल से मैं कितनी परेशान हूँ। कोर्ट से आने के बाद तुमने मुझसे बात तक नहीं की, मेरा फोन भी नहीं उठाया। ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से तुम इतने बिजी थे? मानव 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 तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चंचल। अचानक से अकेला पड़ गया हूं। एक तुम ही हो जिससे अपनी बात कह सकता हूं। हाँ मानव, लेकिन हुआ क्या है? ना सब कुछ हो गया लेकिन इस मानव को उस छनछन की पड़ी है। माँ खाट पे लेटी है और वो हाल उस लड़की का पूछने में है। इतनी बड़ी बात होगी और तुम मुझे आप बता रहे हो? कम से कम मुझे मैसेज तो कर देते कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। चंचन, उस वक्त मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा टाइम उन्हीं के पास बैठा रहा, भैया और भाभी भी साथ में थे इसलिए। I'm sorry, I understand तुम किस सिचुएशन में हो। ठीक है तुम जाओ, अपनी मम्मी का ख्याल रखो। उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन नथिंग इज हेल्पिंग। I'm so helpless here. तुम चिंता मत करो मानव, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस खुद को संभालो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी फैमिली है, भगवान है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी की जीने की इच्छा खत्म हो गई है। वो तो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की बातें कर रही है। तुम चिंता मत करो मानव, सब ठीक हो जाएगा। अक्सर जब बड़े बुजुर्ग बीमार होते तो डिप्रेशन में आकर ऐसी बातें करते हैं। तुम बस अपनी मॉम के साथ रहो, उनकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखो, उन्हें अकेलापन महसूस मत होने देना। फिर तुम देखना, जब उन्हें अपनी फैमिली से इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलेगा तो उन्हें खुद जीने की इच्छा होगी, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा हो सकता है चाची? ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। तुम बस अपनी मॉम की हर इच्छा पूरी करना, फिर देखना उन पर कैसा मैजिक चलेगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा वो चाहती है। अच्छा सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। या बोलो।
मैंने घर पे हम दोनों के बारे में सबको सब कुछ बता दिया और सब बहुत खुश है, इसलिए अब जब तुम्हारी मॉम ठीक होगी तो तुम मेरे घर पे मेरी फैमिली से मिलने आना। गुड नाइट। दवाई जितनी कड़वी होती है ना, उसका असर उतना जल्दी होता है। मानव को तो अक्कल आ गई, अब छन उसके ऊपर फिर से जादू करे उससे पहले मुझे मानव से अपनी इच्छा पूरी करवा लेनी चाहिए। पानी बापूजी, क्या हुआ, क्या था? पता नहीं, उमा अचानक नींद से जागी और लगता है शायद बा को तकलीफ हो रही है, शायद अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहती है। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूं। मानव, मम्मी कुछ बोलिए। क्या है तुम्हारी इच्छा? मेरी आखिरी इच्छा है कि माना मेरी पसंद की लड़की के साथ शादी कर। उमा, तुम इसकी शादी की चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारा लाडला है ना, तुम्हारी बात ना माने ऐसा कभी हो सकता है? आप जिससे कहेंगे, जिस लड़की से कहेंगी, उसी से मानव शादी करेगा। हाँ बा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। बिल्कुल बाप, ठीक नहीं होगी तो शादी कौन करवाएगा? मानव,
के हाँ बोलती मैं ठीक हो जाऊंगी। बोलना मना तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा ना? मम्मी हाँ हाँ आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ मम्मी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.